नमस्कार दर्शकों, स्वागत है। मैं हूं द डेकियन। तो काफी महीनों के बाद और काफी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली आपके लिए एक फोन का अनबॉक्सिंग आ चुका है, जो कि OnePlus Nord C True Lite। तो इसमें मैं आपका सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि इसका डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है और इसका बैटरी कितना चलता है और ओवरऑल ये फोन कितना अच्छा है और कितना देता है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। और चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहले अगर हम बॉक्स को खोलें तो यहाँ पर आपका OnePlus का लोगो वाला छोटा सा सेक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक रेड केबल क्लब मिलेगा और उसी के साथ नॉट का कुछ स्टिकर्स मिलेगा। तो रेड केबल क्लब के उधर की तरफ आपको कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगा और भी बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक और, जो उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी गाइड, मतलब आपको जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मान के चले इस फ़ोन के साथ वो, और ये एक OnePlus की तरफ से लेटर और सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा। तो आपको ये छोटा सा सेक्शन में इतने सभी मिलेगा। अब उसके बाद मेन फ़ोन आपको मिल जाएगा यहाँ पे लाइम ग्रीन कलर में, बट इसका कलर मुझे थोड़ा नियॉन नियॉन जैसा लग रहा है, लाइम ग्रीन कम नियॉन ज़्यादा। अब उसके बाद नीचे का सेक्शन को खोले तो यहाँ पर आपको जो 80 वाट का सुपरफूक चार्जर मिलेगा, बट फ़ोन सपोर्ट करता है सिर्फ 67 वाट का चार्जर, और ये एक USB A चार्जर है। और उसी के साथ आपको एक रेड कलर की केबल मिल जाएगा जो कि OnePlus का आइकॉनिक है, और ये आपको मिलेगा एक USB A टू USB C का, और चार्जर काफ़ी मोटा है, मतलब आराम से हाई चार्जिंग को ये सपोर्ट कर लेगा और ये आसानी से टूटेगा भी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में, क्योंकि ये कंपनी का हाईलाइट किया हुआ सबसे मेन फीचर है। तो इस फोन के पीछे में आपको दिख रहा होगा ट्रिपल कैमरा, बट काम का एक ही है, क्योंकि इसमें आपको पहला वाला ये जो ऊपर वाला लेंस है वो है 108MP का, जो कि सैमसंग का HM3 लेंस है। उसके बाद बाकी के दो यूजलेस है, क्योंकि एक 2 MP का डेप्थ सेंसर है और एक 2 MP का मैक्रो, दोनों ही कोई काम का नहीं है। और सामने की तरफ आपको मिलता है एक 16 MP का सेल्फी कैमरा, और बाकी इसका जो फोटो सैंपल है मैंने कुछ इसमें खींचा है 108MP में जूम करते हुए नॉर्मल में, और सब कुछ मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसके बाद वाले सेक्शन में। और इसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने किया है, उसका भी मैं अगले ऐड कर दूंगा। तो अभी आप जो ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं और ये सैंपल, ये फिलहाल डायरेक्ट फोन से खींचा जा रहा है जो कि OnePlus Nord C3। तो इसमें आप 4K वीडियो नहीं उठा सकते, जो कि बहुत ही मुझे ये लेट डाउन फीचर है, क्योंकि 4K तो मस्ट है आजकल के दिन में फोनों में, बट इसमें आप मैक्सिमम फुल एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फुल एचडी में अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है और मेरा कैमरामैन भी ज्यादा कुछ ट्राई कर रहा है, मैं नहीं बोल सकता क्या कर रहा है बट कुछ कर रहा है। और तो ये आप देख लिया, तो आपको ऐसे ही कुछ फिलहाल वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी इस फोन के साथ। तो फिलहाल कैमरा के मेरे ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इसका कैमरा मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। हाँ, अगर आपको सिर्फ मेन कैमरा से मतलब है, मतलब आपको अल्ट्रा वाइड नहीं चाहिए या फिर ज्यादा जूम फूम का कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, तो आप ये फोन ले सकते हो, क्योंकि इसका 108MP का मोड जब आप ब्रॉड सनलाइट में फोटो खींचोगे या फिर बहुत सारे सीनारीज होंगे आपके आसपास तो काम पे आएगा। बाकी के टाइम पे तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी 1080p पे मैक्स लिमिटेड है, 4K भी नहीं तो उठा सकता। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका कैमरा उतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको इस प्राइस रेंज में और कोई कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तब आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर आपका के लिए कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी आप इस फोन के लिए जा सकते हो। अब जो नेक्स्ट बड़ा फीचर एक कंपनी ने जो हाईलाइट किया है इस फोन का, वो है इसका बैटरी। तो इसका बैटरी साइज काफी अच्छा है और चार्जिंग भी काफी इंप्रेसिव है इन दिस प्राइस रेंज, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh वाला बड़ा बैटरी मिल जाता है। उसी के साथ इसको जो चार्जर आपको मिलता है वो 67 वाट का सुपरफूक चार्जिंग, तो इसका फुल चार्ज होने में लगभग आपको 40 से 45 मिनट लग जाता है। और एक बार अगर ये फोन फुल चार्ज होता है तो आपको लगभग दिन भर का साथ दे देगा, और अगर आप मीडियम यूजर हो तो आपको 1.5 दिन चल जाएगा, और अगर आप एक प्रो गेमर हो और उसके साथ क्रोम भी बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा इतना दे देगा। तो बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशियंट है और आपको आसानी से चल जाएगा। और जो एक चीज, आपको बॉक्स पे 80 वाट का चार्जर मिल जाता है, बट जो फोन सपोर्ट करता है 67 वाट को, बट इसको अगर यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जर होता तो आप इसमें से लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, बट फिर भी इस पे 80 वाट का चार्जर मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो इस फोन में आपको दो फीरियड मिलते हैं, एक है 8GB 128GB रैम और दूसरा 8GB/256GB रैम। बट जो फीचर मुझे और भी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है वो है आप इसमें अप टू 8GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये फीचर इस प्राइस रेंज में और किसी फोन में मतलब आपको मिलेगा, बट मैक्सिमम आप 6GB तक एक्सपेंड करोगे, बट इसमें आपको 8GB तक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप गेम खेल रहे हो तब आपको ये बहुत ही हेल्प कर सकता है।
अब एक और जो इंपॉर्टेंट थिंग जिसके साथ आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करोगे वो है फोन का डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का फीचर लिस्ट तो बहुत ही लंबा है, पर इसमें जो मेन थिंग आपको एमोलेड नहीं मिलता। तो अगर आपको एकदम डीप घुस के कुछ चीज देखना है तो इसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। बट जो एक इंपॉर्टेंट थिंग, इसके आपको 120 हर्ट्ज का एलसीडी पैनल मिलता है, मतलब आपको फिर भी वो स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जो कि आपको बाकी समय काम में आ सकता है। और उसी के साथ इसका साइज भी काफी बड़ा है, 6.72 इंचेस का, तो साइज वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका एक फुल एचडी डिस्प्ले है, 680 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। मैं आपको एक बार अगर पीक ब्राइटनेस दिखा दूं तो इसमें आपको लगभग इतना ब्राइट एक डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरा में कैसा आ रहा है मुझे नहीं लग रहा है कुछ अच्छा आ रहा है, बट फिर भी इसमें आपको सफिशियंटली ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। और इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है जो कि आप के टाइम में स्टैंडर्ड है। और बाकी के डिस्प्ले तो सब कुछ मुझे अच्छा ही लग रहा है, मतलब मुझे इतना बड़ा डिस्प्ले से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ एक चीज, अगर इसमें एमोलेड भी होता वो भी 60 हर्ट्ज का होता तब भी मेरे साथ चल जाता, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मस्ट हैव है 2023 में। मतलब आईपीएस एलसीडी 120 हर्ट्ज उतना कुछ खास नहीं जम रहा है, अगर इसमें बदले में एमोलेड होता 60 हर्ट्ज होता तब भी चल जाता। तो फिलहाल आप जो ये वीडियो सैंपल देख रहे हो ये है इस फोन का डिस्प्ले का एक सैंपल। तो ये मैंने 4K पे ये वीडियो चलाया जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूब का कोस्टारिका का सैंपल। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें और आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है एज कम्पेयर टू ओलेड, बट स्टिल चल जाएगा आपको। आप इस फोन के जो एक फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो है इसका हेडफोन जैक, जो कि आजकल के दिन में किसी भी फोन में नहीं मिलता। मतलब अगर आप थोड़ा प्रीमियम भी पे करोगे तो आपको हरगिज नहीं मिलेगा, अब इस प्राइस रेंज में आपको इसमें मिल जाता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलता है जिसका अगर एक साउंड सैंपल आपको सुनाओ तो तो इस फोन में आपको एक अल्ट्रा वॉल्यूम मोड वाला फीचर मिलता है जो कि मैंने पहली बार देख रहा है किसी फोन में मिलते हुए। इसके पहले कोई भी फोन में ये अल्ट्रा वॉल्यूम मोड नहीं मिलता था। इसके वजह से आपको और भी ज्यादा बेस फील होगा या फिर सेपरेशन फील होगा म्यूजिक में, तो ये फीचर भी अच्छा है। अब इस फोन का हार्ट के बारे में बात करें, मतलब इसका प्रोसेसर, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका मैंने परफॉर्मेंस के लिए आपको इसके बाद में एक BGMI का टेस्ट भी दिखाया। मतलब मैंने गेम तो नहीं खेला क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट फिलहाल मैंने इसका कितना मैक्सिमम ग्राफिक्स क्वालिटी ये सपोर्ट करता है वो भी दिखा दिया। और इसका GPU की बात करें तो इसमें आपको Adreno का 619 GPU मिलता है और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको एक सफिशियंट परफॉर्मेंस देके देगा ये प्रोसेसर, बट आप इसके इससे अगर कुछ ज्यादा उम्मीद करते तो ये नहीं होगा। और हाँ, जो अच्छी बात है इसमें आपको 5G मिल जाता है। तो अभी मैं फिलहाल जो एरिया में रह रहा हूँ यहाँ पे तो 5G नहीं आया है थैंक्स टू जियो यानी एयरटेल, बट फिर भी मैं जब जाऊंगा अगर 5G एरिया में तो आपको ये स्पीड टेस्ट दिखा दूंगा इसका स्पीड टेस्ट कैसा आ रहा है। बट फिलहाल इस प्राइस में प्रोसेसर अच्छा है, मतलब बुरा भी नहीं है, अच्छा एवरेज जिसको कहते हैं, ये एवरेज परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो फाइनली इसका एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है विद ऑक्सीजन ओएस, जो कि आप एक तरह से कलर ओएस भी समझ सकते हो। और इसके साथ आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज में सफिशियंट है। और इसका जो सॉफ्टवेयर वाइज इसका आपको उसमें बग्स ज्यादा नहीं मिलते और एक्स्ट्रा कुछ एप्स भी नहीं मिलता, मैंने जिसमें इसमें जितना एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। तो सॉफ्टवेयर वाइज सही है, इसमें कुछ उल्टा सीधा एड्स भी नहीं आता, तो सॉफ्टवेयर वाइज सही है। फाइनली इस फोन का प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरियंट मिल जाएगा, 8GB विद 128GB जिसका प्राइस है 20,000 रुपीज, और मेरे पास फिलहाल वही वेरियंट है। और एक और अपर वेरियंट आपको इसमें मिलता है 8GB विद 256GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइसिंग है 22,000 रुपीज। तो रिव्यू की बात करें तो देखो प्राइस वाइज आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है अगर आपको गेमिंग से ज्यादा मतलब है या फिर आपको स्मूथ स्क्रोलिंग से ज्यादा मतलब है। अगर आपको कंटेंट वाचिंग के लिए फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। सेकंड कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको अगर सिर्फ स्टिल शॉट्स लेना है और वो भी सिर्फ एक ही कैमरा आपका काम का लगता है, आपको अल्ट्रा वाइड से उतना कुछ मतलब नहीं है, तो आप ये फोन ले सकते हो क्योंकि इसमें आपको 108MP का कैमरा मिल जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता है। बट जो एक और थिंग है, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलेगा। और अगर आपके लिए वीडियो कैप्चर करना मेन थिंग है, मतलब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप रील्स में कमेडियां मटकाते हो, तो ये फोन आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको 4K ना ही सामने से ना ही पीछे से कहीं पर भी 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता।
अब बैटरी की बात करें तो बैटरी मुझे काफी अच्छा लगा, 5000 mAh का बैटरी है, साइज भी बड़ा है और चार्जिंग भी बहुत ही जल्द होता है। 67 वाट का चार्जिंग भी इसका मिलता है, बॉक्स में 80 वाट का एडाप्टर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है, ये सब अच्छा बात है। अब प्रोसेसर ठीक है इस प्राइस रेंज में, स्नैपड्रैगन 695 कोई बुरा बात नहीं है, तो प्रोसेसर वाइज भी ये फोन ठीक है। अब डिजाइन की बात करें तो पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक नहीं मिलता है, प्लास्टिक बैक ही मिलता है, बट ये दिखता है ग्लास बैक ज्यादा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और फोन का मोटापा ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, ठीक ठाक है डायमेंशंस। और कलर भी काफी अच्छा है, मुझे ये कलर सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप रात में कहीं खो जा तो आप ऐसे ऊपर पकड़ करके आप सिग्नल भेज सकते हो लोगों को, क्योंकि ये नियॉन कलर जैसा है, बट नाम इसका लाइम ग्रीन है, बट ये मतलब जलता है रात के अंदर में। और इसके साथ आपको एक ब्लैक कलर भी मिलता है, वो भी अच्छा है, कलर वाइज भी फोन ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फोन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को फोन में 4K रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर एमोलेड डिस्प्ले होता तब भी अच्छा हो जाता। तो ये अगर दो पॉइंट इस फोन में होते, मतलब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट और एमोलेड डिस्प्ले, तो ये फोन मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो जाता। तभी आप प्राइसिंग थोड़ा बढ़ा लो, लाइक 22,000-23,000 अब कर लेते इस फोन का प्राइसिंग और ये दोनों फीचर दे देते, तब भी मैं इस फोन को खरीद लेता। बट फिलहाल इस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन मेरे लिए नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ किया जाए तो। बट जो लोग मतलब उतना कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग से उतना मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ एक अच्छा स्टिल फोटो खींचने वाला कैमरा चाहिए, अल्ट्रावाइड से भी मतलब नहीं है, उसको गेमिंग ज्यादा खेलना है, 120Hz का डिस्प्ले चाहिए, उन लोगों के लिए फोन परफेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ इस फोन का रिव्यू यहीं पे अंत करते हैं। तो फोन का मैंने सब कुछ बोल दिया, कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो अगर आपके हिसाब से ये फोन का स्पेसिफिकेशन फिट होता है तो आप बंद करके इसको खरीद सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वन प्लस का फोन है, तो आपको एक ब्रांड इंप्रेशन भी अगर आपके दोस्त के ऊपर झाड़ना है तो भी ये काम में आ जाएगा। तो फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसी के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे। अब उसके राइट साइड में आपको एक ज्वाइन वाला बटन भी मिल जाएगा, अगर आप मेरे चैनल का मेंबर होना चाहते हो तो सिर्फ महीने का 30 रुपए खर्च करके आप मेरे चैनल का मेंबर भी हो सकते हो, जहां पर आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगा हर मंथ, उसी के साथ कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी मिलेगा और आपको एक बैच भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, जहां पर लिमिट आपको मिनिमम 40 रुपए है, तो उससे मेरे चैनल को और भी फाइनेंशियली ज्यादा हेल्प मिलेगा और मैं और भी ज्यादा ऐसा फोन का अनबॉक्सिंग या फिर और भी नए तरह के गैजेट्स के अनबॉक्सिंग कर सकूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल आखिरी बात, हमेशा एक देखिए, अरे